तो फाइनली गाइस आ गए हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस आज मंडे है, बोवे का डे नंबर 19 चल रहा है। वैसे गाइस मैंने इसके रिलेटेड फर्स्ट एपिसोड डाला था लगभग 4:30-5 बजे के बीच में, तब मैंने बताया था मतलब 1 करोड़ 15 1 करोड़ 20 लाख के समथिंग कुछ इसका नेट वर्जन पकड़ के जा सकते हो। तब लगभग इसकी जो भी ऑक्युपेंसी निकल के सामने आई थी 50%। अब बात करेंगे जो इसकी इवनिंग की ऑक्युपेंसी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। तो अभी ये कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है भाई, अभी तक इसका कितना क्वेश्चन हो चुका है फर्स्ट 18 डेज यानी आफ्टर संडे तक। उससे पहले जान लेते हैं कि अभी तक बोला कितना क्वेश्चन कर चुकी है अपने फर्स्ट 18 डेज में। देखो गाइस 1 करोड़ 75 लाख अपने थर्ड वीकेंड में इसने फ्राइडे को क्रशन किया था, सैटरडे 2 करोड़ 20 लाख, संडे 2 करोड़ 50 लाख। तो ये रहा इसका थर्ड वीकेंड क्रशन। देखो मैंने गाइस आपको 2-4 दिन इस मतलब ये वीकेंड स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मैंने तब बताया था कि इसका जो सेकंड वीकेंड था इसने किया था 12 करोड़ समथिंग कुछ क्लशन। वो मैंने बताया था 50% अगर ड्रॉप देखने को मिलेगा, मुझे लग भी रहा था ये वीकेंड स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मैंने बताया था 5-6 करोड़ ये आराम से ईजिली क्लशन कर लेगी अपने थर्ड वीकेंड में। इसने कितना किया, दो करोड़ वहाँ से ले लो, 2 करोड़ यहाँ से 4 करोड़ हो गया, और 2-6 साढ़े 6 समथिंग कुछ मतलब 6 करोड़ के आसपास, यानी सेकेंड वीकेंड के मुकाबले मतलब थर्ड वीकेंड 50% हमें ड्रॉप देखने को मिला। यानी वहां पे जो मैंने प्रेडिक्शन बताई थी जो वीकेंड स्टार्ट भी नहीं हुआ था 5-6 करोड़ पकड़ के जा सकते हो, ऑफ कोर्स वो राइट होती हुई नजर भी आई। तो किसका कितना हो चुका अभी तक, नेट की बात करो 84.95 करोड़, लगभग 85 करोड़ पकड़ के जा सकते हो। ग्रोस बनता है इसका 101 करोड़ 10 यानी 100 करोड़ क्रॉस, ओवरसीज 14, वर्ल्ड वाइड में 115 करोड़ 10 लाख अभी तक फर्स्ट 18 डेज यानी संडे तक। अब बात करना गाइस आज की टूडे की मंडे की, सबसे पहले बात करते हैं इसके शोज की। तो 1685 शोज इसके टोटल आज हैं, और यस्टे को थे 1815 शोज, यानी शोज है वो अच्छे खासे गाइस ड्रॉप देखने को मिले हैं। 3D की बात करूं, अगर मैं 2D की बात करूं, 2273 शोज यस्टे को थे, यहां पे 2502 शो ऑलमोस्ट 200 के समथिंग कुछ शोज हैं वो आज हमें ड्रॉप देखने को मिले हैं। इसका मतलब क्वेश्चन तो अच्छा खासा आज ड्रॉप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर शोज नहीं मिलेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे करेगी। थोड़े ओवरऑल ऑक्युपेंसी की बात करते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 7:30 ऑक्युपेंसी थी यस्टरडे की मॉर्निंग की, आज थी 5, काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है। 18 थी अब आफ्टरनून की, आज है 8:30, लगभग 2 गुना से भी ज्यादा ड्रॉप हुई है। और ये भी देखो शोज है वो भी ड्रॉप हुआ, अगर शोज सेम रहते फिर भी बोलते हाँ 2 गुना इर्द गिर्द है, लेकिन उससे काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है। 19 थी इवनिंग की यस्टरडे की, आज केवल 7 है, 3 गुना बोल लो क्योंकि थोड़ी कम है, लेकिन 3 गुना हुई है क्योंकि शोज है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुए हैं। 9 थी कल मॉर्निंग की, आज 7, 16:30 थी कल आफ्टरनून की, आज 9, 17:30 थी यस्टरडे की इवनिंग की, और आज केवल 8 है, 2 गुना से भी ज्यादा ड्रॉप हुई है। तो कितना क्वेश्चन कर सकती है टुडे यानी आए। देखो गाइस थोड़े सिटी वाइज ऑक्युपेंसी पर नजर डालो, उससे पहले मुंबई 166, आई 154 शोज हैं, शोज ड्रॉप हुए मॉर्निंग की 4 आई 3, आफ्टरनून की 16 आई 9, 18 थी कल इवनिंग की, और केवल 6, 3 गुना से भी ज्यादा ड्रॉप हुई है। एनसीआर की बात करो 287 आई 262 शोज हैं, 8% मॉर्निंग की थी आज 6, 14 आफ्टरनून की थी आज 8, 16 इवनिंग की थी आज 7, काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है गाइस, शोज भी ड्रॉप हुई, अगर शोज सेम रहते हैं फिर भी बोलते हैं हाँ 2 गुना के आसपास कुछ प्लेसेस में ड्रॉप हुई है, बट उससे कई गुना ज्यादा हुई है। पुणे पर नजर डालते हैं 59 आई 57 दो शोज ड्रॉप, 11 मॉर्निंग की थी आई 4, 39 आफ्टरनून की आई 6, 47 यस्टरडे की इवनिंग की थी आई 13 है गाइस, 13 ऑक्युपेंसी काफ़ी ज़्यादा गिरी आज वर्किंग डे में। उसके बाद बेंगलोर की बात करूँ इर्द गिर्द, या हैदराबाद में 1 ही शोज था वो भी आफ्टरनून के टाइम, 25 थी यस्टरडे की आज 13 है, कोलकाता में 35-33 शोज है, बाकी इर्द गिर्द है। बाकी गाइस सूरत पर नज़र डालते हैं, वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, 37 आई 29 शोज है, 8 शोज ड्रॉप हुए हैं। आफ्टरनून कल मॉर्निंग थी 12 थी आज 3 है, केवल 3% ऑक्युपेंसी, 16 आफ्टरनून की थी आज 9 है, 19 इवनिंग की थी आज 6 है, 3 गुना से भी ज़्यादा ड्रॉप हुई है। और जयपुर यही सेम सिचुएशन हर प्लेसेस में, आज ये कितना क्वेश्चन कर सके। देखो गाइस अगर आपने नोटिस किया हो पहले भी, अगर इसका पिछला संडे से मंडे ले लो, उससे पिछला संडे मंडे ऑफ कोर्स 55-60% हमें ड्रॉप देखने को मिलता है वो भी नॉर्मल, और यहाँ पे ऐसा ही पकड़ लो जैसे इसका 2.5 करोड़ आया यहाँ पे संडे का नेट क्वेश्चन, उसमें 55-60% ईजिली ड्रॉप ले लो, मतलब 50-60 के बीच में ड्रॉप ले लो, यानी अभी मुझे जस्ट अभी के टाइम 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 लाख के आसपास नेट क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है मंडे को। बाकी आज नाइट की ऑक्युपेंसी आज के दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि गाइस आज आरसीबी वर्सेस चेन्नई का मैच चल रहा है। देखो मैच तो कर्नाटक के अंदर है, तो बैंगलोर की तो बैंगलोर में फिलहाल इसका कोई शोज है भी नहीं, 15-20 शोज है उसको तो छोड़ो, बट यो आइडियंस
घर से बैठकर आईपीएल देख रही होगी, यानी ये मैच देख रही होगी, तो उन्होंने डिसाइड तो किया होगा कि आज मूवी हम देखने नहीं जाएंगे, और जिन्होंने सोचा भी होगा तो यही एक कारण हो सकता है कि आज नाइट की ऑक्युपेंसी गिर सकती है, तो क्वेश्चन और भी गिर सकता है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन नॉर्मली पकड़ के जा रहा हूँ, अभी 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25, यानी मुझे 50-50 उम्मीद है कि गिर भी सकती है एंड नहीं भी गिर सकती है। और अगर इतना क्वेश्चन करती है तो उसका कितना हो जाएगा फर्स्ट 19 डेज़ में? तो गाइस फर्स्ट 19 डेज़ समथिंग नेट की बात करूँ तो 86.30 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड 117 समथिंग एंड इट शुड बी सो अगर इसको अच्छा परफॉर्म करना है। बाकी गाइस आगे मैं बात करूँ, जैसे कि ये वर्किंग डेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अभी चलिए आज का दिन तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है, तो ये मतलब फ्राइडे तक कितना क्वेश्चन कर सकती है? देखो गाइस उम्मीद है कि 5 दिन है, तो मतलब ऑफकोर्स 4-5 करोड़ तो आप इजीली पकड़ सकते हो, यानी कि अभी 86-84 ले लो, 85 ले लो ना, 5-6 हो जाएगी इजीली, 88-89 करोड़ इसका हो जाएगा। बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे अपने फोर्थ वीकेंड, देखो किसी का भाई किसी की जान आ रही है, और हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए कि वो भी एक रीमेक है, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते जितनी हमें टाइगर 3 से है। तो वो तो मतलब सलमान खान के फैंस अच्छे खासे हैं, उम्मीद तो मतलब इतनी भी कम नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस वो भी क्रशन कर सकती है, बट इतना नहीं। बाकी गाइस अगर मैं बात करूं देखो कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहां पे मूवी आए कोई या नहीं आए, जैसे 50% वीकेंड में हर वीकेंड में ड्रॉप देखने को मिल रहा है वोला का, अगर अभी 6 करोड़ क्रशन करिए थर्ड वीकेंड में, फोर्थ वीकेंड में 3 करोड़ तो आप इजिली ले ही सकते हो। अगर 3 करोड़ क्रशन करती है तो ऑफकोर्स मूवी 92-93 इजिली क्रॉस कर लेगी। भाई गाइज अगर बात करूँ मैं 2 बारों को, यानी ट्यूजडे को कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो गाइज जो भी अभी शोज दिख रहे हैं तो मतलब बिल्कुल सेम ही आते हुए नजर आ रहा है मुझे 2 मारों को, तो जस्ट अभी के टाइम जैसे पिछले वीकेंड वीक में देखा था हमने, मतलब मंडे के मतलब ट्यूजडे को काफ़ी कम ही क्वेश्चन गिरता है, लगभग यहाँ पिछली बार तो सेम ही आया था। अगर इतना क्वेश्चन करती है 20-25 के आसपास तो आप सेम ले लो 1 करोड़, मतलब 5 लाख इर्द गिर्द ले लो, मतलब गिर सकता है 5 लाख, बाकी सेम ले लो। तो बाकी गाइस सभी के लिए तो इतना है, बाकी हम 2 मारो को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।